Hi this is Gavi and you are watching me on BollywoodNazar.com सलमान का के साथ कैसा था एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा था बहुत अच्छा था मेरे लिए एक आ, ड्रीम डेब्यू था सबसे बड़ा बैनर यशराज और डायरेक्टर की बात करें कबीर खान साहब बहुत अच्छे और आ, एक्टर्स की सलमान और कैटरीना तो इससे बड़ा पैकेज क्या होगा सो so, बहुत कुछ सीखने को मिला बहुत ज़्यादा कुछ तो मेरे लिए तो इट वाज अमेजिंग एक्सपीरियंस

तो एक सच्ची कहानी के ऊपर बिश्नोई कम्युनिटी राजस्थान की है उन्होंने साकू आंदोलन सुना होगा चिपको आंदोलन तो कुछ एक लोगों ने अपनी सेक्रीफाइस किया था पूरे इन्वामेंट को बचाने के लिए एक ही अपना इन्वायरमेंट के ऊपर नेशनल अवार्ड है जो इस नाम से अमृता जो मेरी वाइफ मतलब ग्रेसी ने कैरेक्टर किया है वो तो वो काफ़ी बड़ी है लेकिन वो अभी तक बाहर नहीं आई नहीं। उसके बाद फिर संजय शर्मा जी के साथ ब्लैक करेंसी नवाजुद्दीन से देखी Okay. उनके साथ मैं कर रहा हूँ हमारे दो शेड्यूल हो चुके हैं okay. तो उसके बाद के स्केड्यूल बस ऊपर नीचे थोड़ी सी चीज़ें हो रही हैं hmm. फिर उसके बाद अभी मैं फ़िल्म कर रहा हूँ मिस्टर अमजद ख़ान की hmm. गुल मकई hmm. तो बहुत ही ये ज़्यादा बड़ी फिल्म है गुल मकई ये तालिबान्स के ऊपर उनके रिलेशंस तालिबान और पाकिस्तानी मिलिट्री के उनके साथ कैसे उनके संबंध हैं अभी जैसे मलाला का बीच में काफ़ी एक इंटरनेशनल फिगर हैं सभी जानते हैं हाँ जी। तो गुल गुल मकई उन्हीं का नाम है मतलब वो उसी नाम से कविताएं लिखती थी तो दैट इज़ आल्सो अ पार्ट ऑफ अवर फिल्म तो ओमपुरी तो साह मुकेश ऋषि जी तो कई और बहुत बड़े नाम जुड़ रहे हैं अभी मैं नाम नहीं लूँगा <laughs> सो काफ़ी मतलब अच्छी चीज़ें हैं टचवुड है लेकिन अभी ऐसा है कि वो एक समय होता है हाँ जी तो मुझे लगता है कि अगर हो सकता है कई बार मैं ये सोचता हूँ कि अगर साथ ही में ना बाहर आ जाए फिर ऐसा लगे कि अरे दस बारह फिल्म जा है। आ रही तो टचवुट काम अच्छा किया लेकिन अभी तक आई डोंट नो कुछ कुछ ना कुछ, कि वो रिलीज नहीं हुई अभी तक कोई चल रही है और मुझे लगता है कि इस साल होनी चाहिए हो रीजन सिनेमा के जितने भी एक्टर्स होते हैं बोले वो नॉर्थ हो हो साउथ कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि बॉलीवुड में एंट्री करनी है जब आपने पंजाबी इंडस्ट्री में एंट्री की तो मंजिल आपकी बॉलीवुड थी नहीं मुझे ऐसा है। है। नहीं ऐसा कभी मैंने कभी मैं बस मुझे अच्छा काम करना है, है जी। मैं किसी ना मैं छोटी स्क्रीन मुझे ऐसा कि हाँ टी वी नहीं करना या इस लैंग्वेज में नहीं करना मैं छोटी फिल्म्स भी करना चाहता हूँ किसी बहुत अगर छोटी से छोटी कोई रीजनल जिसका मान लो एक लाख ही बजट हो लेकिन काम अच्छा हो सो मतलब मेरे लिए काम को ज़्यादा प्रेफरेंस है इधर इट्स पंजाबी हिंदी मालम जो भी हो बट काम अच्छा होना चाहिए बॉलीवुड का एक ये होता है कि इसका स्तर बहुत बड़ा है लोगों तक इसकी अप्रोच बहुत है सो ऑब्वियस so, आपको अच्छा लगता है कि आप जितने बड़े लेवल के ऊपर अभी जैसे हमारे बॉलीवुड वाले जितने भी हैं उनको ये होता है कि हम हॉलीवुड में काम करें सो so, जो हर किसी की मतलब इफ़ यू आर सेटिस्फाइड विद योर वर्क नहीं तो exactly. बढ़ते तो कितना मर्जी जाओ हर किसी को चाहना होती है कि मैं आगे जाऊँ

आपको एपिसोड ऑन एयर करना है और आप ये नहीं कि हाँ मुझे वहां पे शूट करना है आप एक दिन वेट नहीं कर सकते उस चीज़ का यू हैव टू तो उसमें हाथ थोड़े से बंधे होते हैं तो बाकी जैसे लोग कहानी को एक्सेप्ट करते हैं कैरेक्टर्स का नहीं पता हो सके हो सकता है कि दस दिन के बाद आप मर जाए या आपकी दूध कुछ भी कर सकते हैं टीवी में कुछ भी <laughs> जो भी हिट है, है जी जो चीज़ चल रही है जो हिट है बस उसको खींचते जाओ टीवी फिल्म्स uh, में ये पॉजिटिव है कि आपको यू कैन मेक अ ग्राफ ऑफ़ योर कैरेक्टर क्योंकि आपको पूरी कहानी पता है hmm. कि ये कहानी है hmm. इसमें मैं अपना ग्रा, अपना किरदार इस ऐसे ऐसे इसको मूव कर सकता हूँ hmm. तो इस हिसाब से मतलब क्रिएटिविटी जहाँ पे आपके कैक्टर एक एक की खुली है वहीं पे आप अच्छे से काम कर सकते हो तो इसीलिए मैंने बोला कि टीवी में हाँ ये पैसा है hmm. कि ठीक है जा रहे हैं पैसा आ रहा है hmm. हाँ जी वो चीज बन जाते हाँ। हैं तो अभी जब एक्टिंग में आपने कदम रख ही लिया है इतना अच्छा कर रहे हैं आप तो कोई एक आइडल जो आप मानते हैं जिनको आप देख के चलते हैं आगे नहीं मैं किसी ऐसा मुझे कभी नहीं है कि किसी को नहीं छोटे से थे तो मतलब तब से एक जैसे आपके एक पसंद होती है तो धर्मेंद्र हाँ हमें बहुत अच्छा। वो बहुत अच्छे लगते हैं तो मतलब सभी के पंजाब में मोस्टली सबके फेवरेट हुए हैं तो बाकी अभी तो बहुत से अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं तो हर किसी से क्योंकि तब इतना नॉलेज नहीं था तो इसीलिए किसी को क्या कभी मैंने जब सोचा ही नहीं था कि मुझे इस फील्ड में आना है तो मैं किस क्या देखूँगा तो एंटरटेन करने के लिए फिल्म्स देखते थे लेकिन अभी नज़रिया बदल गया है क्योंकि अब किसी को भी देखते हैं जिससे मतलब कोई चीज़ अच्छी सीखने को मिल जाए तो उसको हाँ वो है हाँ जी और जो आपने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स बताए उनके अलावा भी कुछ और है आपके हाथ आप में अभी जो आप बताना चाहेंगे अभी उसी से वो नहीं है पंजाबी प्रोजेक्ट भी, भी साथ हाँ। में है तीन आ, मेरी मतलब चार इनफेक्ट चौथी शुरू होने वाली है तीन में से दो कंप्लीट हो चुकी हैं है। साड़ा जो भैया नारा याराना प्यार यार पंगा और बाकी मेरी अभी नेक्स्ट कुछ एक दिनों में स्टार्ट हो जाएगी फर्स्ट वीक ऑफ मार्च तो बस अभी ये चार पांच प्रोजेक्ट से हैं चल है अभी। हाँ जी तो आप मुंबई से पंजाब यस 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 तो पंजाब का नहीं है वो पंजाब का जैसे इंडोर जितना भी वो हम मुंबई में शूट करते हैं जहाँ पे खेत हैं। जब पंजाब का वो माहौल दिखाना हो तब, जाना तब वहीं पे जाना पड़ता है जैसे मैंने आपको बताया कि सब कुछ तो यहीं से है थैंक यू वेरी मच सेम है यार सेम है थैंक यू